चलिए तो आज आप और हम बातें करते करते इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को बनाकर तैयार कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इसी के साथ मैं तारा जोशी शुरू करती हूँ इस धासु रेसिपी को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 कप मैदा ली है मैंने, ये मैंने छान के ऑलरेडी रखी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच में इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, इसमें घी ही ऐड करें, ऑयल का इस्तेमाल ना करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो तैयार कर रही हूँ। डो थोड़ा सख्त है, देखिए डो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे डायरेक्टली हम प्लेटफॉर्म पर इसे अच्छे से मसल कर इसे तैयार करेंगे। एक हाथ से मैं डो को पकड़ रही हूँ और दूसरे हाथों से इसे मसल रही हूँ। इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू 10 मिनट के लिए करना है। इस प्रोसेस को करने से मैदे में जो खिंचाव रहता है वो खत्म हो जाता है और रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। इस प्रोसेस को करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में आप देख सकते हैं डो कितना स्मूथ हो चुका है। अब इसे कवर करके हमें 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। इसके बाद इसकी रोटियां बनाएंगे। अब हमें स्टफिंग की तैयारी कर लेनी है। स्टफिंग के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर को इस तरह से लंबा कट किया है। थोड़ी सी लंबी लंबी मैंने गाजर कट कर ली है, प्याज को भी कट कर लिया है और साथ ही में शिमला मिर्च, जो वेजीज आप खाना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने थोड़ा गाढ़ा दही लिया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब एक बाउल में मैंने थोड़ा सा सरसों तेल लिया है। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए इससे इसका कलर अच्छा हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेती हूँ, जैसे थोड़ा गरम मसाला, काला नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लेमन जूस और ये जो हमने दही लेके रखा है वो इसमें ऐड करना है 1/3 कप। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी मैरिनेशन तो तैयार है। अब इसमें हम पनीर ऐड कर रहे हैं। स्पैचुला की मदद से मैं पनीर को मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है, नहीं तो हमारे पनीर टूट जाएंगे, इस बात का खास ध्यान रखें। और इसे 10 मिनट के लिए अब हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक पनीर इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, फ्लेम को हाई रखेंगे। अब जो पनीर हमने मैरिनेशन के लिए रखा था अब उसी को इसमें ऐड करेंगे। पनीर को स्पैचुला की मदद से हमें स्टर नहीं करना है। अब हमें पैन को ही उठाकर इस तरह से हिलाना है ताकि हमारे पनीर टूटे ना। देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे तैयार कर रही हूँ। ये प्रोसेस को करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब सभी वेजीज को इसमें ऐड कर देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे, इस बात का ख्याल रखें। ये गई हमारी शिमला मिर्च, गाजर और इसी के साथ प्याज। अब ऐड करेंगे थोड़ा नमक, लाल मिर्ची पाउडर और फ्लेम को हाई रखते हुए सभी वेजीज को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इस प्रोसेस को करना है। वेजीज हमारी क्रंची ही रहनी चाहिए, इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं सॉटे करते हुए। स्टफिंग तो तैयार है, चलिए हम आटा भी चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो चुके हैं, आटा भी अच्छे से रेस्ट ले चुका है। अब हाथों की मदद से इसे एक बार स्मूथ कर लेंगे। इस तरह से अब इसका रोल बनाकर हमें तैयार करना है और इसकी बड़ी साइज की लोई तोड़ लेंगे। देख सकते हैं मैंने थोड़ी बड़ी साइज की लोई ली है। आप चाहें तो छोटी साइज की भी तोड़ सकते हैं, पसंद आपकी है। आप छोटी बड़ी रोटी जैसी बनाना चाहें उस हिसाब से लोई बनाकर तैयार करें। टोटल 5 बॉल्स बनके तैयार हुए हैं। अब इन पर थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और कवर करके इन्हें रख देंगे। एक मैं आपको इसमें बेल के दिखा रही हूँ। मैं इसे प्लेटफॉर्म पर ही बना के तैयार कर रही हूँ। देख सकते हैं रोटी को हमें ना तो बहुत पतला रखना है ना बहुत मोटा, इसको अच्छे से बेल कर तैयार कर लेना है। आटा गूंथते समय हमने जो ट्रिक्स यूज की थी इसकी वजह से हमारा आटा कितना अच्छा बना है। देखिए मैदे में जो खिंचाव होती है
वो खत्म हो चुकी है। रोटी कितनी अच्छी से बिल रही है, इसी वजह से अब मैंने भी एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब इस रोटी पे मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। सब जगह अच्छे से हमें घी लगा लेना है। इसी स्टेज पे हमें घी का ही यूज़ करना है, ऑयल का यूज़ नहीं करना है, जिससे रोटी खस्ता बनके तैयार होगी। अब इसमें मैं थोड़ा सूखा आटा डस्ट कर रही हूँ। रोटी की प्लीट्स बनाते हुए देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। पहले हमें इसकी प्लीट्स जैसे बना लेनी है, उसके बाद इसे हाथों में लेकर इसे फोल्ड कर लेना है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखिए, और इसे गोल गोल घुमाकर इसे गोल गोल बना लेना है, रोल जैसे रोल कर लेना है। और लास्ट वाला पोर्शन जो है हमें इसे नीचे में टक कर देना है। अब मैं इसे सूखा आटा लगाकर बेल के तैयार कर लूंगी। अब इसी स्टेज पे आप ध्यान रखें रोटी को ना तो जो बहुत ज्यादा मोटा रखें और ना बहुत ज्यादा पतला। इस तरह की हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है, देख सकते हैं आप। अब पैन भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें हम रोटियां सेक लेंगे। आप चाहे तो लोहे के तवे पे भी रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नैपकिन की मदद से मैं रोटी को प्रेस करते हुए इसे सेक लूंगी। इस तरह से देखिए, इससे रोटी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी, अच्छे से सिक कर भी तैयार होगी। दोनों साइड से पहले हमें इसे प्रेस करके यूं ही सेक लेना है। दोनों साइड से रोटी अच्छे से सिक चुकी है। अब मैं इसमें घी लगाकर रोटी को सेक कर तैयार कर लूंगी। दोनों तरफ घी लगाकर हम इस रोटी को सेक चुके हैं। देखिए दोनों तरफ से कितना सुंदर कलर भी आ चुका है और रोटी हमारी कितनी अच्छी सिक कर तैयार हुई। ऊपर से तो सख्त है और अंदर से सॉफ्ट। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और ये तैयार है हमारी काठीवाड़ रोटी। चलिए अब इसे झटपट से रोल करना भी आपको बता देते हैं। मैंने एक छोटा साइज का बटर पेपर लिया है। अब इस पे हम रख देंगे अपनी रोटी। आप देख सकते हैं रोटी ऊपर से तो कितनी सख्त है और अंदर से कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। अब इस पर हम रखेंगे स्टफिंग, थोड़ा सा कटिंग किया हुआ प्याज, थोड़ा केचप और थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी से हमें रोल बनाकर तैयार कर लेना है। इसे मैं अच्छी से फोल्ड कर ले रही हूँ और ये हमारी पनीर काठी रोल बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, यम्मी, मज़ेदार बनकर तैयार हुई है, सभी की ऑल टाइम फेवरेट है। आप भी इस तरह से रोल बनाकर इंजॉय करें और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।